फ्रेंड्स जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय चैनल आशा करछि आपन माने समस्त भले थिबे। आजर ब्लॉग रे चालंतो बनेबा हमर गोटे ऑथेंटिक डिश जोटा कि माछ बेसर आंबुल दे के बनेबा। आ इंडिया रे थिले रोही माछ कि भाकुर माछ रे कि इलिसी माछ रे एटा बहुत भल लागे, किंतु मु आज तिलापिया फिश रे बनौछि। आ तिलापिया फिश मु जोटा आनी सेटी पूरा माने तार स्किन माने सब क्लीन कर दियंती, आ माने काती छोड़े दियंती, आ भीतर जहाँ भी सब बाहर करके से माने सफा करके पूरा पैक करके मिले। तो आम जो आनी कि आम हिसाब से जमी काटिया कथा काटि दौ, तापर मैं देखूँ काटि सारापर धोईकी भले कि हल्दी लुण आउ टे अल्प टिके चिली पाउडर पकईकी मुझे गोड़ेदेली। तो मुझे आज बनाऊे ये रेसीपीटा माछ भाजी एयर फ्रायर रे, आउ एयर फ्रायर रे बहुत कम तेल रे रेसीपीटा बनी जीव। तो एयर फ्रायर रे भी बहुत भल भी भाजी हुए। मुझे देखूँ ये हल्दी लुण गोड़े टे अएल स्प्रे करके रखीदेली 400 डिग्री फारेनहाइट रे आउ 15 मिनिट्स पर्यंत। तो मत किसी गाइड करा भी पड़ानी इक्वाली बोथ साइड देखूँ के भलसे माछ भाजी जाए मात्र 1 टीस्पून तेल हम कि ना बहुत कम तेल रे। आउ देखु माछ बेसर पर मत दरकार मत गोटे आलु नहीं आलुटा कम्प्लीटली ऑप्शनल। आउ गोटे प्याज काटिक रखी दीटा आंब आंबुल को पानी बतरे की रखी माछ भाजिक रखी आमको सोरस तेल दरकार आउ जीरा सोरस आउ दीटा सुखला लंका को अलरेडी मुझे पानी सोक करके रखी। तापर आमको रसुण दरकार माछ बेसर रे रसुण तो इम्पोर्टेंट इनग्रीडियंट। आउ हला आमर धनिया पत्र लुण आउ हल्दी आउ मु चिल्ली पाउडर भी नहीं लंकाटा एत राग ना तो टिके चिल्ली पाउडर नहीं चिल्ली पाउडर भी ऑप्शनल आपन ता जगह कंचा लंका भी नहीं पारे। चलतु बनवा स्टार्ट करवा। आउ एटा गोटे बहुत भल डिशा मत तो बहुत भल लगे माछ बेसर आंबुल पड़ी। तो चलतु समस्ते बनाती किंतु समस्त गोटे डिफरेंट वे ऑफ कुकिंग अच्छी। तो मुझे जमी बनाए आज आप सहित सेयार करशा करीडियोटा बहुत एंजय करेंगे। एबे आलुटा को भाजी नबा। आलु भाजापी मुझे गोटे पैन रे किसी अल्प तेल नहीं कि सोरस तेल रे भाजवा आपन चाहिए छाण भी पारे जेहेतु आम गोटे हेल्दी वे बनाऊंट। तो कम तेल यूज करवा मुझे गोटे पाखापाखि गोटे चामच तेल नहीं सोरस तेल तेल गरम है आलुटा को चोपा छड़े काटिक लंबा लंबा रखी तेल भले कि भाजीद भाजला बेल आम से हल्दी गुंड अल्प टिके लुण भी देद। तो आलुटा भलसे सीझीज और भाजी भी हो आलुटा देखते भलसे भाजी हो गला पाखापाखि 80% कुक हो गोटे प्लेट को काढ़ी दबा। आउ सेम पैन रे ही आम माछ तरकारी प्रस्तुति करवा। तो सेम पैन रे मो पाखापाखि दुईटा चामच सोरस तेल नेली सोरस तेल गरम है आम जो पंच फुटन से पकेबा फुटन फुटला जो प्याज गोटे मुझे पतरा पतरा काटिक रखी से पकईद यहाँ टी भाजवा को दबा भले कि भाजी हो गला आम गोटे जो रसुण जीरा आ सोरस लंकार गोटे पेस्ट बनवा प्याज तो भाजी हो चलतु से पेस्टा बनईद ए आमर तो रसुण जीरा सोरस आउ सुखला लंकार पेस्ट रेडी होगा। देखो प्याज भी अलमोस्ट भाजी हो गला आम जो पेस्टा करते एटा पकईद अल्प टिके पानी देकी से जो थे बाटी से धोईकी पानी देकी बसईद ताकि आम जो सोरसटा अच्छे बेसी समय भाजले कसिले मसलाटा पिता लगे। तो से अनुसार कम आंचर आम एखु मुझे टी चिली पाउडर पकेली आउ आम ऑलरेडी आलू रे आउ माछ भजा रे लुण हल्दी सफिशिएंट पड़ी। तो से अनुसार देखिके क्वांटिटी हिसाब से लुण और हल्दी चिल्ली पाउडर पकेबा।
ହେଇଗଲା ତ ଅଲମୋଷ୍ଟ କଷି ହେଇଗଲାଣି ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ମୁଁ ଏଇ ସମୟରେ ଆଳୁ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ସେଇଟା ପକାଇକି ଭଲକି କଷିଦେବା ଟିକେ ଟୁ ମିନିଟ୍ସ ଟୁ ଟୁ ଥ୍ରୀ ମିନିଟ୍ସ ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇକି କିଛି ଗରମ ପାଣି ଦେଇକି ଆମେ ଏଟାକୁ ଫୁଟେଇବା ପାଣି ଫୁଟିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଝୋଳ ଆପଣ କେମିତି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାଛ ବେସରେ ଟିକେ ମୋତେ ଝୋଳଝୋଳିଆ ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ତାଠୁ କେତେ କେତେ ମାଛ ପକାଉଛନ୍ତି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହିସାବରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେବେ ମୁଁ ଏଠି ପାଖାପାଖି ଦୁଇଟା କପ୍ ପାଣି ଦେଇଥିଲି ଦୁଇ କପ୍ ପାଣି ଆଉ ସେଇଟା ଫୁଟିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ କଲର୍ ଆସିଛି ଏବେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆଳୁ ବି ସିଝିଗଲାଣି ଆଉ ଆମ୍ବୁଲଟା ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ପକାଇବା ଏବେ ମାଛ ପକାଇକି ଟୁ ଥ୍ରୀ ମିନିଟ୍ସ ଫୁଟାଇବା ତାପରେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇବା ମାଛ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଘୋଡ଼େଇବେନି ଏବେ ଏଇଟା ପୁରା ହାଇ ହିଟ୍ରେ ଟୁ ଥ୍ରୀ ମିନିଟ୍ସ ଫୁଟିଲା ପରେ ଆମର ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ତାପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇଦେଲି ଯେଉଁଟା ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲି ପାଣିରେ ଦୁଇଟା ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇଦେଲି ତାପରେ ଏଇଟା ଆମେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ମାଛ ବେସରର ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ଧନିଆ ପତ୍ର ଏବେ ଟିକେ ପକାଇଦେବା ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ଅପ୍ସନାଲ୍ ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଫର ଡେକୋରେସନ୍ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ନହେଲେ ଆମର ୟୁଜୁଆଲି ଆମ ଟିପିକାଲ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ମାଛ ବେସରରେ ଏତେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପଡ଼େନି ତ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଡେକୋରେସନ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ପକାଇଛି ଆଉ ଫ୍ଲେଭର ବି ଭଲ ଆସିବ ଧନିଆ ପତ୍ରର ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ବେସର ତ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆଉ ବହୁତ ଟେମ୍ପ୍ଟିଂ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ପ୍ଲେନ୍ ରାଇସ୍ ସହିତ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଛ ବେସରର ରେସିପି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ରହୁଛି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପୁଣି ଆସିବି ଅନ୍ୟ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ